केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना और रद्द भर्ती परीक्षाओं के विरोध में आज कांग्रेस नेता व प्रदेश कांग्रेस सचिव जीवन ठाकुर की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निपथ योजना जो मोदी जी ने इस देश के ऊपर थोपी है और इस देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके विरोध में आज हम जोगिंद्रनगर में भी इस अग्निपथ योजना के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो योजना है ये मेरा मानना है कि इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जहां युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वहां इस देश की सुरक्षा के साथ भी ये खिलवाड़ है, क्योंकि 4 साल में एक सैनिक, एक सोल्जर जो है वो इतना परफेक्ट नहीं बन सकता जिस तरीके से हम लोगों को आज चाइना से थ्रेट है, पाकिस्तान से थ्रेट है। तो हमारा मानना है कि मोदी को ये जो अग्निपथ योजना ये वापस लेनी चाहिए, क्योंकि युवा जब 17 से 21 साल के बाद या 23 साल के बाद घर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कौन सा रास्ता वो अपनाएंगे, क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं होगी कि हमारा कैरियर जो है वो 4 साल के बाद क्या होगा। इसलिए वो अपने फिजिकली भी और मेंटली भी वो एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकता। इसलिए आज हम पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके साथ साथ हम जोगिंद्रनगर के युवा भी इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, और एक न एक दिन जैसे किसान विरोधी बिल जो मोदी ने वापस लिए ये बिल भी मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा। आपका फैसला के लिए जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।